प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुम्मे को कहा कि इसने जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा शबीर अहमद शाह के श्रीनगर के घर को मनी लॉन्ड्रिंग के तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर मुंसलिक किया है, जो कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दहशत गर्दाना सरगर्मियों को हवा देने के मामले से मुंसलिक है। अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं आया, हमें मीडिया के थ्रू खुद भी पता चल रहा है, सो वी डोंट हैव एनी नोटिस हियर। एक्चुअली यहां हमारे हेल्पर हैं, ही इज विद हिज फैमिली हियर, सो उन्हीं से हम बोलने आए थे कि इफ दे हैव टू टेक आउट देयर थिंग्स आउट, बिकॉज़ हमें नहीं पता है कि क्या होगा, इसीलिए अदरवाइज वी हैव जस्ट, हमें खुद मीडिया से पता चला, वी हैव नो आईडिया अबाउट दिस, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई है। हुकाम ने बताया कि ये मकान जिसकी मालियत 21,80,000 रुपए है, श्रीनगर के बरजुला पुलिस स्टेशन के इलाके में वाका बटशा कॉलोनी सनत नगर में वाका है। शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा मई 2017 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की तरफ से लश्कर ए तैयबा के सरबरा हाफिज सईद और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकथाम एक्ट UAPA की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की गयी है। शबीर अहमद शाह पथराव जुलूस एहतजाज और दीगर तकरीबी सरगर्मियों के जरिए वादी कश्मीर में बदअमनी को हवा देने की सरगर्मियों में सरगर्म रहे हैं। वो दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान में मुकीम दीगर दहशतगर्दाना तंजीमों के साथ साथ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से हवालात और दीगर ज़राए फंड्स हासिल करने में मुलव्वस था और ये रकूम उस वक्त ईंधन और मदद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। शबीर शाह को आखिरी बार 25 जुलाई 2017 को 2005 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक मुबैना हवाला डीलर अहमद वानी को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि इन्होंने वानी से 62 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिसमें से 52 लाख रुपए शाह को दिए थे। बजाहिर शाह पर इब्तदाई तौर पर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन प्रोसिक्यूटर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED ने बाद में कहा कि दहशतगर्दी की फंडिंग और पाकिस्तान के साथ मिली भगत के इल्जाम भी है।